हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कुछ अनोखा ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वैसे तो पहले इस चैनल का नाम हुआ करता था डीबग एक्सपेरिमेंट वीडियो, लेकिन अब फिर से हमने नाम बदल दिया, फिर से हमने नाम चेंज कर दिया। अब क्या दिक्कत थी कि हमने समस्या ये थी कि पहले बड़ा नाम था, लेकिन फिर हमने जब ये बदल के दूसरा नाम किया था तो वो भी बहुत बड़ा ही था। हमने सोचा था कि छोटा मोटा नाम करेंगे, थोड़ा छोटा सा, तो अब फिर से हमने नाम बदल कर छोटा ही कर दिया डीबग स्टडी के नाम से। अब ये चैनल का नाम कर दिया है न्यू वाले हैं। ये क्वाइल रखी है, वायर रख रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर। इसकी थोड़ी इसके पास ही करना था। हाँ, इसकी लेंथ है 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर लंबा है, लपटा लपटा, तो अपन ये चेक करने वाले हैं फाइनली कि आखिर करंट कितने दूर तक जा सकता है, धारा को कितने दूर तक भेजी जा सकती है। वैसे भी हम बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रबलता की धारा तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ा कर धारा भेजी जाती है जिससे वो काफ़ी दूर तक गमन कर सके, लेकिन उसकी प्रबलता थोड़ी कम कर दी जाती है और उसके वोल्टेज विभव को बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से वो दूर तक गमन कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये वायर रखे हैं मेरे सामने, ये वायर रखे हैं ना, इनकी लेंथ है 1 किलोमीटर। अब देखते हैं अपन ये 1 किलोमीटर दूर बल्ब उजरेगा या जली, हमें चेक करना है इस वीडियो में कि आखिर ये लपटा हुआ रखा 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो 230 वोल्ट होता है शायद लाइन में। तो देखते हैं कि इतना ज़्यादा धारा, इतनी कम धारा भेज सकती है कि नहीं, देखते हैं अभी चेक करके। अभी देखिए बंद है, अभी थोड़ी देर बाद हम चालू करेंगे इसे, थोड़े समय बाद। क्या है, अभी मैं आपको वायर बता दूँ ना, तो इस बल्ब के 2 वायर निकले थे, एक वायर को हमने ले लिया है ये वाला, और एक वायर को यहाँ पर अटैच कर दिया। अब देखते हैं कि चालू होता है या नहीं, क्या पता करंट पहुँचेगा या नहीं। लाइट तो है अभी। अब देखिए, अब हम इसे लगा देते हैं बोट में, बहुत सावधानी से लगा देना, लगाना, क्योंकि आप ऐसा कुछ घर पे मत करना, हम बड़ी सावधानी से करते हैं ये सभी प्रयोग, तो इसमें हम बड़ी सुरक्षा रखते हैं साथ में। तो चलो ये मैं स्विच चालू करता हूँ, 1 2 3। ये देखिए 1 किलोमीटर फ्लो हो रहा है वायर में, राउंड राउंड करके, सर्किल सर्किल करके, ये करंट 1 किलोमीटर दूर तक। और देखिए इसकी चाल में कोई डिफरेंट नहीं है, मतलब लाइट की रफ्तार, थोड़ा इधर करना कैमरा, लाइट की रफ्तार उतनी ही होती है जितनी की प्रकाश की होती है। लाइट भी बहुत तीव्र गति से गमन करती है, क्योंकि लाइट वही होती है जो सनलाइट समझ लो या ये लाइट समझ लो, बस इसमें कोई डिफरेंट नहीं है ऐसा कुछ। ये इसमें देखो बल्ब जलने में भी कोई डिफरेंट नहीं है कि थोड़ा स्लो जले। हाँ, जाहिर सी बात ये ज़रूर है, अगर इस वायर पर लोड पड़ता, थोड़े फ्रीजर होते, कूलर होते या कुछ भी होते, तो ज़रूर लोड पड़ता इसमें और थोड़ी लाइट स्लो पड़ जाती, लेकिन वन बल्ब एक बल्ब के होने से। तो दोस्तों फाइनली ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। हमने सोचा था कि अगर करंट को फ्लो करेंगे या वायर वायर सर्कल होकर बहुत ज़्यादा लेंथ पड़ जाती है, 1 किलोमीटर दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अगर ऐसा कुछ होगा तो करंट कम पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमने सोचा था कि थोड़ी देर बाद लाइट जलेगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हमने जैसा स्विच चालू किया वैसी लाइट जली, कोई भी मिनी सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ा कि थोड़ा बहुत लेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत बड़ी मेहनत से बनाते हैं। आपको भी नहीं पता होगा कितनी मेहनत बनती है 5 मिनट की वीडियो अपलोड करने में भी।